हेलो एंड वेलकम टू एनडीटीवी स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। भारतीय टीम ढाका में 7 दिसंबर को दूसरा ओडीआई मुकाबला खेलेगी, लेकिन इस बीच दूसरे ओडीआई मुकाबले के प्लेइंग 11 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपने देखा होगा शार्दुल ठाकुर जो है उनकी जो है पहले ओडीआई मुकाबले में बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे, जिसको लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे ओडीआई मुकाबले में शार्दुल ठाकुर नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे, यानी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अब सवाल होता है, ये उठता है कि आखिर शार्दुल ठाकुर क्यों नहीं खेलेंगे। तो जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसमें शार्दुल ठाकुर निगल से परेशान है, निगल इंजरी है उनको, ऐसा अभी तक रिपोर्ट आया है। हालांकि मेडिकल टीम फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन अगर शार्दुल ठाकुर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते हैं तो आपको बता दें कि टीम में पहले ही मोहम्मद शमी की जगह पे जो है उमरान मलिक को बीसीसीआई ने भेजा है टीम के स्क्वाड पे। वहां पे अब शार्दुल ठाकुर के रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है उनकी जगह पे उमरान मलिक गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए टीम में एक ऑलराउंडर के तौर पे रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी है, टीम में अक्षर पटेल भी नहीं है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किए गए थे, लेकिन अब उनके भी इंजर्ड होने की खबर आ रही है। इसके बाद अब उनकी जगह उमरान मलिक गेंदबाजी करेंगे, लेकिन आने वाले मुकाबलों में जो है, क्योंकि दूसरे ओडीआई मुकाबलों में अक्षर पटेल को टीम में शामिल किए जाने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, जिस तरीके से उनके बैक में प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर ये उम्मीद जताई जाए कि क्या अक्षर पटेल टीम में शामिल होंगे, तो अगर टीम में शामिल होते हैं तो शहबाज अहमद जो है वो उनकी जगह पे टीम में अक्षर पटेल को शामिल किया जाएगा। शार्दुल ठाकुर को लेकर टीम इंडिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, मैनेजमेंट कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जो है भारतीय टीम को 2 टेस्ट मुकाबले भी खेलने हैं और वहां पे शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाज की कमी भारतीय टीम को ना खले, इसके लिए शार्दुल ठाकुर की जगह पे उमरान मलिक से गेंदबाजी कराई जा सकती है। तो चलिए आपको एक बार बता देते हैं कि दूसरे ओडीआई मुकाबले में प्लेइंग 11 में वो कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जिनको हम मैदान पर खेलते हुए देख सकते हैं, और वो उनके साथ और कोई भी नाम जो जुड़ रहे हैं वो भी आपको बता देंगे। सबसे पहले बात करें तो रोहित शर्मा जो है वो खेलेंगे, शिखर धवन होंगे, विराट कोहली होंगे, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, शहबाज अहमद हैं, स्लैश अक्षर पटेल हैं, यानी दोनों में से कोई एक हो सकता है, जिसमें दूसरे ओडीआई मुकाबले में बहुत कम उम्मीद है कि अक्षर पटेल टीम के साथ आए। शार्दुल ठाकुर जो है उनको भी लेकर सस्पेंस बरकरार है, मेडिकल टीम अगर ओके करती है तब खेलते हुए नजर आएंगे, नहीं तो उनकी जगह पे उमरान मलिक। दीपक चाहर टीम इंडिया में ऑलराउंडर के तौर पे दीपक चाहर हम देख सकते हैं, दीपक चाहर को प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। मोहम्मद सिराज और कुलदीप सेन, कुलदीप सेन बेहतरीन गेंदबाजी की थी कुलदीप सेन ने भी, तो ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जो दूसरे ओडीआई मुकाबले में जो कि ढाका में खेला जाएगा उसमें भारतीय टीम का हिस्सा हो सकते हैं। आपको ये अपडेट कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप और कोई नाम जो है आप प्लेइंग 11 में देखना चाहते हैं वो भी आप स्क्वाड में से हमें कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे तमाम अपडेट्स आपको पसंद आते हो तो प्लीज एनडीटीवी स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।